हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपकी दोस्त शशि प्रयागराज मोहे में से आपका स्वागत करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चला हुआ है घेवर बनाने का राखी पे। तो हम सोचे हम भी क्यों ट्राई करें, हम क्यों पीछे रहें, तो हम भी ट्राई करने चल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने बर्फ़, घी और मैदा लिया। आज हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा बनाएंगे, देखते हैं बनता है कि नहीं, तो आप लोग भी सीख लीजिए। ये देखिए, हमने ये बर्फ़ और घी को मिक्स करा, अब इसको हम फेटेंगे। चलिए इसको फेट के हम मिलते हैं। ये देखिए, बटर तो बनना शुरू हो गया है और बैड लक की बर्फ़ कम हुई है मेरे पास। तो हमको फेटना है इसको, तो फेट फेट के इसको सॉफ्ट करना है बटर की तरह। तो ये देखिए, बटर बन गया एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना सा। तो अब इसमें हम लोग मिलाएंगे मैदा। तो ये देखिए, ये हमारा बटर बन गया है। अब इसमें हम लोग मैदा डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको मिलाएंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने बेसन मिला दिया। अब चिल्ड पानी से तो हम घोल बनाएंगे। ये देखिए, इसमें पानी डाल के इसको हम घोल लेंगे। आप इसको इतना घोलिएगा कि इसमें ऐसे गुठलियाँ ना रहे। ये देखिए, घोल बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा, और फिर इसको देखिए फ्रेंड्स, ये घोल बन गया। अब इसको सबसे ज़रूरी का कि इसको आपको छन्नी की सहायता से छान लेना है कि इसमें जो गुठलियाँ ना हो। अभी इसमें गुठलियाँ हैं, इसको हम लोग छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में रिफाइंड और देसी घी दोनों मिक्स करके डाले हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में देखा कि दोनों मिक्स किए थे, कहीं उससे अच्छा बनता है। तो ये एकदम बढ़िया से हीट हो जाए। और ये देखिए, हमारा घोल थोड़ा ही सा बनाया है, तब बनाते हैं। और आप लोग भी देखिए और हम भी देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसके लिए हम लोग को चाहिए बेलन, और ये घोल है। तो हमें घोल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेटू आप उधर रहिए। बहुत गर्मी लग रही है, अब पता नहीं बन रहा है कि नहीं। अभी तो सिर्फ ये हो रहा है, जितना कुछ बताया गया है वैसे वैसे बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी देखते रहिए। देखिए, झाग कम हो जाएगी तो बेलन से हमें इस होल को मेंटेन करते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो भी बना है, अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और देखते हैं निकलता है, ठीक निकलता है, कैसे बना है। सारा इसी में कुछ भी है, तो अभी इसको निकाल के ट्राई करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे, देखते हैं कैसा बना है। अभी तो फ़िलहाल इसकी झाग कम हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे होल है, वही हिल भी रहा है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, घेवर बस निकल जाए। ओ शिट, वाओ, मतलब उतना मोटा नहीं बना है, फिर भी फ्रेंड्स कुछ हद तक बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डालते हैं। ये देखिए हमारा सेकेंड घेवर। खत्म। चाशनी बनाएंगे घेवर, दो घेवर बनाए हैं। ट्रायल में अच्छे बने हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, तो अच्छे हैं। तो हम इसके लिए चाशनी, एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए हमने एक कप चीनी ले लिया है। ये देखिए इसे हमने दो कप चीनी लिया है। अब इसी के नाप से हम एक कप पानी ले लेंगे। ये देखिए ये हमने एक कप पानी डाल दिया इसमें। इसको हम लोग जल्दी से गैस पर रखते हैं, चाशनी बनाते हैं। यहीं रख दीजिए। ये देखिए हमने चाशनी बनने के लिए रख दिया। अब इसको हम चीनी घुलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए चीनी अब घुलने लगी है, और इसमें हम एक इलायची डाल देंगे। अगर आपको लगे कि चीनी गंदी है, मतलब इसमें मटमैली है, तो आप इसमें थोड़ा सा एक चम्मच दूध डाल के जो झाग बनता है उसको बाहर कर दीजिए, तो ये साफ़ हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल ये चाशनी में साफ़ लग रही है, तो ये जल्दी से घुल जाए हम इसे आग से उतार लेंगे। ये देखिए अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये देखिए देखिए लास्ट बूंद थोड़ा ठहर के आ रही है और ठंडी हो जाएगी, तो इसको आप ऐसे करके देखिएगा। तो एक तार की चाशनी हमें चाहिए। अब इसे हम उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब चाशनी भी कुछ हद तक ठंडी हो गई है। अब इसको हम इस पे घेवर पे आप अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे किसी को कम मीठा, किसी को ज़्यादा मीठा खाना था, उस हिसाब से आप इस पे चाशनी डाल सकते हैं। ये देखिए पहली बार बनाया है, तो आप लोग प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। ये देखिए अब दूसरे पे भी डाल लेते हैं। आप किसी जाली पे रख के ही इस पे चाशनी डालिएगा। आप लोग इस पे रबड़ी भी लगा सकते हैं, रबड़ी बनाइए इसके ऊपर लगाइए, और उसके पास से बादाम, पिस्ता
से सजा दीजिए। तो ये देखिए अब इसको भी हमने चाशनी में डाल दिया है। टेस्ट करके अभी बताते हैं कैसा बना है। तो फ्रेंड्स मेहनत तो हो गई है, अब टेस्टिंग का टाइम है, देखते हैं ये कैसा बना है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हम खा के बताते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्रिस्पी है, एकदम कुरकुरा है। बस अभी इतना है, ये उसका मोटा नहीं बना हुआ है। अभी तो ट्राई किया था, पर फर्स्ट टाइम के अपेक्षा बहुत अच्छा बना हुआ है। और मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मीठा हमें ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए हमने कम मीठा बनाया है। एक मीठा ज़्यादा बनाया, एक मीठा कम बनाया, तो इसको खाया तो टेस्ट किया। तो आप लोग भी घर पर जो ट्राई कीजिएगा, बढ़िया है, टेस्टी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। बाय।